हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो बेटा जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, और वहां हमने फार्मूला भी ड्राइव किया था, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होते हैं। इस तरह का हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूला ड्राइव किए थे। तो आज बेटा आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा बेटा हम लोग अपने लेवल को हाई करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कुछ ज्यादा सीखेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे क्लास 11th को पढ़ाना है या आपको 11th का पढ़ना है, ऐसा इसलिए कि बेटा कि अगर आपको इसकी नीड अगर क्लास 10th में आती है तो आप उसे बना सके। मैंने बताया था बेटा कि अगर आपको साइन 120 की वैल्यू आए तो आप निकाल सके, क्योंकि ये बेटा आपको एरिया ऑफ सर्कल में काम आएंगे। तो कुछ कुछ बेसिक फार्मूलाज आपको काम आएंगे, बस मैं वही तो सिखाना चाहता हूँ, ना ज्यादा लेवल हाई कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा जो बेटा लेवल चाहिए ना मैं उतना ही दे रहा हूं। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, आज हम लोग वो जानने वाले हैं। ओके बेटा, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन वेरियस क्वाड्रेंट, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन क्या होने वाले हैं वो जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, उसी तरह बेटा मैं एक वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। ये वाला जो एक्सिस है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है ना उसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो जनरली इसे हम बेटा इसे एक्स एक्सिस नहीं कहते हैं, पर इसको मैं ना अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑरिजिन से राइट हैंड साइड बेटा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। उसी तरह बेटा ऑरिजिन से लेफ्ट साइड आपका क्या होगा, नेगेटिव होता है। तो इसे मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस कहता हूँ। ये बस बेटा मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, क्योंकि इसका भी यूजेज है, ठीक है। उसी तरह बेटा ऑरिजिन से जो ऊपर होगा ना उसे हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस कह सकते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, एंड ऑरिजिन से जो नीचे जा रहा है उसे हम कह सकते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। बस इसका यूज करने के लिए मैं इसे ऐसा नाम दे रहा हूं, बाकी कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, तो जो मैं अब बात करूंगा बेटा, आपके ऑरिजिन के जो राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो आपके ऑरिजिन के ऊपर होंगे वाई एक्सिस वो क्या होंगे, वो भी आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहां मैंने एक एक्यूट एंगल थीटा लिया, और ये कितना होगा बेटा, ये आपका 90 डिग्री होगा, क्लियर, ठीक है। तो अब मैं किसी से पूछूं कि बेटा ये वाला लाइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो सबके सब यही बोलेंगे कि सर ये पॉजिटिव होगा, क्लियर। उसी तरह बेटा अगर मैं बेस के बारे में पूछूं तो ये क्या होगा, तो इसे भी आप लोग क्या बोलोगे, सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए ये भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और हाइपोटेनस के बारे में कोई सोचना ही नहीं है, चाहे ये पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, दोनों के स्क्वायर का सम अंडर रूट ना मैं डेफिनेटली हाइपोटेनस क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्लियर। हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आपको जान गए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ हूं उसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके बेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कीजिएगा, मान लीजिए मैं साइन थीटा निकालना चाह रहा हूं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस दैट इज पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होंगे। उसी तरह बेटा मैं कॉस थीटा की बात करूंगा, तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस दैट इज पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा बेटा, यहां भी कॉस पॉजिटिव होगा। ओके, टेन की बात करूं, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस ना बेटा, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कॉट सेक और कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहां तक बेटा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के पास। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा एक हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे बेटा, इसका नेम देते हैं। अब मान लीजिए मैं यहां इस एक्यूट एंगल को थीटा मान लेता हूं, समझने के लिए मैं इस एक्यूट एंगल को थीटा देता हूं नेम। तो समझते हैं क्या होगा बेटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, अबव द एक्स एक्सिस है ना, तो बेटा ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। मतलब यहां पे परपेंडिकुलर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और मैं बेटा जब बेस की बात करूं, बोलेंगे सर ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड है तो ये क्या है, नेगेटिव है, बोलेंगे सर ये नेगेटिव होगा,
ओके अब मैं बताया था हाइपोटेनियस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो आपका इसका स्क्वायर पॉजिटिव इसका स्क्वायर पॉजिटिव, तो बेटा हाइपोटेनियस भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएंगे, तो आपका हाइपोटेनियस के बारे में सोचना ही नहीं है, हाइपोटेनियस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं, साइन थीटा पी बाय एच, साइन थीटा पी बाय एच ना बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां बेटा साइन पॉजिटिव हुआ। ओके यहां पे क्या पॉजिटिव हुआ साइन पॉजिटिव हुआ, कॉस को देखेंगे बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना, बेस इज नेगेटिव हाइपोटेनियस इज पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेटा यहां कॉस नेगेटिव आ गया। टेन की बात करेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस ना, परपेंडिकुलर पॉजिटिव बेस इज नेगेटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे, तो मैंने क्या देखा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो रहा है कॉस और टेन नेगेटिव हो रहा है, तो बेटा उसी तरह इसका इनवर्स भी कॉसेक पॉजिटिव होंगे और सेक और कॉट नेगेटिव होंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा मैं कह सकता हूं कि आपका साइन पॉजिटिव होगा। ओके तो बेटा मैं साइन पॉजिटिव कह रहा हूं, कहीं ना कहीं बेटा मैं कहना चाहता हूं कि कॉसेक भी आपका पॉजिटिव है साइन का इनवर्स, क्यों साइन पी बाय एच होते हैं कॉसेक एच बाय पी होते हैं, तो दोनों आपका पॉजिटिव है, पी भी पॉजिटिव है और एच भी पॉजिटिव है, और एच भी पॉजिटिव है पी भी पॉजिटिव है, मतलब पी बाय एच बोलिए या एच बाय पी बोलिए पॉजिटिव आएगा। ओके अब चलते हैं हम लोग बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां देखते हैं क्या होता है, फिर हम लोग यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं, क्लियर। अब मैं बेटा इसे थीटा मैं मानता हूँ, इसे मैं थीटा लेता हूँ बेटा, बोलेंगे फिर से सर थीटा तो सामने वाला परपेंडिकुलर, बेटा परपेंडिकुलर क्या है बिलो द एक्स एक्सिस है, तो बेटा ये नेगेटिव होंगे। ओके और ये तो नेगेटिव पहले से था, तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, दोनों के सम का रूट बेटा ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब बेटा मैं यहाँ देखने जाऊँगा, अब मैं यहाँ साइन कॉस टेन की बात करता हूँ, साइन थीटा P by H ना बेटा नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेटा यहाँ पे साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, कॉस की बात मैं करता हूँ कॉस B by H है ना नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा यहाँ भी कॉस आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। अब मैं टेन की बात करता हूँ, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा ना यहाँ पे आपका टेन पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव हो मतलब कॉट भी पॉजिटिव हो गया। ओके बाकी साइन कॉस सेक और कॉसेक क्या होगा वो आपका नेगेटिव होगा, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि आपका टेन पॉजिटिव होगा, और टेन का पॉजिटिव का मतलब कॉट भी पॉजिटिव होते हैं। चलिए अब लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम चलते हैं। ओके तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा ठीक है, तो चलिए मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ फिर से, तो सामने वाला क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर होगा, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, और परपेंडिकुलर बेटा क्या है बिलो द एक्स एक्सिस है ना, बेटा ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। और बेस तो पहले से पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस में बता दिया था कुछ भी हो पॉजिटिव ही होने वाले हैं, तो इस तरह से बेटा आपका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे रेशियो के बारे में बात करते हैं, साइन थीटा पी बाय एच ना नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेटा यहाँ साइन क्या हो गया नेगेटिव। कॉस की बात करेंगे बेटा बेस बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बेटा यहाँ कॉस पॉजिटिव होगा। उसी तरह टेन की बात करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस ना, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेटा यहाँ क्या होगा यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा। ओके कॉस पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है बेटा कि आपका यहाँ पे sec भी पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव हो रहे हैं इसका मतलब हुआ यहाँ पे sec भी पॉजिटिव होगा। इस तरह बेटा sin, tan, cosec, cot नेगेटिव होंगे, बस cos और sec बेटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब इसे याद कर रखिएगा, पहला क्वाड्रेंट में बेटा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव, उसी तरह बेटा दूसरे क्वाड्रेंट में sin और cosec, sin है तो cosec भी पॉजिटिव होंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में बेटा tan और cot पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, एंड फोर्थ बेटा cos और sec पॉजिटिव, cos और sec पॉजिटिव। इस तरह से बेटा मैंने आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट का कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूं। सो गाइज प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा तो हमने जो पढ़ाया था उसे मैंने अभी समराइज करने की कोशिश किया हूं, ये क्वाड्रेंट ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा क्या है ऑल पॉजिटिव है, ओके सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, आप साइन भी याद रखो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि साइन का इनवर्स क्या होता है कॉसेक होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बेटा साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या है टेन एंड कॉट पॉजिटिव, थर्ड में हमारा टेन एंड
cot पॉजिटिव, उसी तरह बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव। तो आप इसे याद रख लीजिएगा तो वो समझ जाएगा। मैं बेटा उसे और डीप में समझा सकता था, पर बेटा इसे ज्यादा यूज नहीं है, बस एक कंसेप्ट है, उसे आपको दिमाग में रखना है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। ओके, तो मैंने क्या दिखा ना, पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, क्या ऑल को मैं ए बोल दूं? ओके, दूसरा क्वाड्रेंट में बेटा क्या है, साइन पॉजिटिव है, दूसरा क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव है, मैंने याद रखने के लिए एस याद कर लिया। तीसरा क्वाड्रेंट में बेटा क्या पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, मैंने इसे यहाँ पे याद रखने के लिए टी बोल दिया। एंड चौथे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो मैंने इसे सी बोल दिया, है ना। आप यहां भी देख सकते हैं, पहला में ऑल तो ए, दूसरा में साइन तो एस, तीसरा में टेन तो टी, एंड चौथा में कॉस तो सी। ओके, मैंने यहां से ए एस टी सी नोट कर लिया। अब उसे याद करने का मैं एक ट्रिक देता हूँ, ठीक है, एक मैं छोटा सा ट्रिक आपको याद करने के लिए देता हूँ। क्या लिखे हो बेटा, ए एस टी सी ना, आप फटाफट ए एस टी सी नोट कर लो, ए एस टी सी। ओके, इसे याद रखना है आपको, ए एस टी सी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, सी फॉर कॉस। अगर आपको ए एस टी सी याद रहेगा तो आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है बेटा कि ये आपको ए एस टी सी इसी तरह याद रह जाए। ओके, तो मैं इस ए एस टी सी को याद रखने के लिए इसे ब्रेक कर देता हूं, ए फॉर आफ्टर, S for school, ओके, T for two and C for college, ओके, A for, याद रखना A for after, S for school, T for two, C for college, ठीक है बेटा। इसका लिटरली कोई मीनिंग नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए दिया गया है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब जो आपका स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो आप कहां पढ़ने जाइएगा, कॉलेज पढ़ने जाइएगा, है ना। फिर से, अगर आपका स्कूल बेटा कंप्लीट हो गया आफ्टर स्कूल, तो आप कहां पढ़ने जाओगे, कॉलेज जाओगे, टू कॉलेज। इस तरह से बेटा आप ए एस टी सी याद रहेगा। तो बेटा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन वेरियस क्वाड्रेंट का कंसेप्ट बेटा यहीं पे खत्म होता है। तो आपको याद रहेगा, पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन पॉजिटिव, तीसरा में टेन पॉजिटिव, चौथा में कॉस पॉजिटिव। ओके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसे नहीं भूलिएगा, ये आपका रामबाण है, ये आपका फंडामेंटल चीज है। अगर ये याद रहेगा तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट बेटा याद रहेगा। ओके गाइज, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो चलते हैं हम देखने के लिए कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको फिर से एक छोटा सा ट्रिक देना चाहूंगा बेटा। बार बार हमें ट्रिक का सहारा इसलिए लेना पड़ता है ना, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, है ना, आपका स्टैंडर्ड क्लास 11th के स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है, है ना, हमें भी बहुत कुछ नहीं पढ़ा हूं। अभी जो बेटा मैं ट्रिक देने जा रहा हूं, इसको आप ऑलरेडी 11th में थ्योरी के रूप में पढ़िएगा, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल जब पढ़िएगा ना, वहां बेटा आपको ये चीज थ्योरेटिकली समझाया जाएगा। लेकिन बेटा अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि आपको एक एक थ्योरी क्लियर करवाए, सिंस आप क्लास 10th में हो, कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम बाउंडेशन भी है और सिलेबस बाउंडेशन भी है। तो फिलहाल हम लोग ट्रिक का सहारा लेके आपको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो आपको अभी फिलहाल याद रखना है कि वाई एक्सिस पे चेंज होते हैं, क्या होते हैं, वाई एक्सिस पे चेंज होते हैं, है ना, क्या होता है, चेंज होता है। अब सवाल है कौन चेंज होता है बेटा, कौन चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, और कैसे होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। अभी जस्ट बेटा आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है ना, कॉस थीटा ना, तो यहां पे क्या होता है बेटा, साइन जो है कॉस में बदलते हैं, है ना, साइन कॉस में बदलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। उसी तरह बेटा मैंने पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस क्या बन जाएगा, साइन बनता है। ओके, फिर बेटा टेन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे, कॉट थीटा, टेन जो है कॉट बदलता है, एंड बेटा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। ओके, ठीक है बेटा। उसी तरह बेटा हमने पढ़ा था सेक 90 माइनस थीटा क्या हुआ था, कॉसेक थीटा। ओके, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा। तो इस तरह से बेटा याद रखते हैं वाई एक्सिस पे चेंज होता है। ओके, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसी तरह बेटा आपको यहां याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे नो चेंज होते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, नो चेंज होता है। ओके, फिर बोलेंगे क्या चेंज नहीं होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे मतलब क्या होगा ना, साइन 180 या 0 या फिर 360 डिग्री, है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा वो साइन में ही रहेगा,
ओके सिंबल क्या होगा मैं भी नहीं बता रहा हूं, बस मैं समझा रहा हूं। जैसे 90 माइनस या 90 प्लस ले रहे थे बेटा ना, उसी तरह यहां 180 माइनस या 180 प्लस लीजिएगा, या 360 माइनस या 360 प्लस लीजिएगा, तो वो साइन साइन ही रहेगा, साइन यहां कॉस नहीं होगा, साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके उसी तरह बेटा कॉस आपका यहां पे कॉस ही रहेगा, ओके टेन आपका बेटा टेन ही रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसी तरह बेटा sec आपका sec ही रहेगा और cosec आपका बेटा cosec ही रहेगा, ठीक है। तो बेटा आपको अभी थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, पर जब मैं इसे आगे ऑपरेट करवाऊंगा ना, आगे जब मैं इसको लेके समझाऊंगा ना, तो आसान लगेगा। तो अभी आप घबराइएगा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं है, बस x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहा है। y एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे, साइन कॉस बनेगा, कॉस साइन बनेगा। अब देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ऐसा देखा था। और ये बेटा आपका 11th कंसेप्ट है, अभी मैंने नहीं बताया हूं लेकिन मैं अभी आगे दिखाने जाऊंगा। उससे पहले बेटा मैं आपको ये चीज आपको समझाना चाहता हूं कि एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होंगे, जैसे साइन 180 माइनस थीटा वो साइन ही रहेंगे, ठीक है, या साइन 180 प्लस थीटा वो साइन ही रहेंगे। सिंबल की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी, बस मैं समझा रहा हूं, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस ही रहेंगे, या कॉस 180 प्लस कॉस ही रहेंगे, या टेन 360 में बेटा एक्स एक्सिस है तो टेन 360 प्लस थीटा, या फिर टेन 360 माइनस थीटा आपका टेन ही रहेगा, ठीक है। सिंबल क्या होगा वो मैंने आपको बताया हुआ हूं कि पहला क्वाड्रेंट में क्या होगा, दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा, उसको बाद में मैंने लेके अभी चलने वाला हूं, ठीक है। तब तक के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपको वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेंगे, एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं एंगल भी लेता हूं, वाई एक्सिस क्या क्या होगा बेटा एंगल, तो आपको याद रखना है 90 डिग्री फिलहाल, ओके, या 270 डिग्री, 90 एंड 270 आपका वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस क्या हो सकता है बेटा 0 डिग्री, ठीक है, या फिर 180 डिग्री, या फिर 360 डिग्री। सिंस मैं भी 360 तक ही समझा रहा हूं इसलिए मैं 180 360 ले आऊं, या फिर आप 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां तक बेटा आप नोट कीजिए, सो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके बेटा। तो अभी तक जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया उसे मैंने समराइज कर दिया हूं आपका इस कॉर्नर में, और यहां मैंने जैसे पहला वाला था एएसटीसी वाला कांसेप्ट उसे मैंने लिख दिया, फिर आगे वाई एक्सिस में चेंज होंगे, एक्स एक्सिस में नो चेंज होंगे, कैसे क्या होंगे वो सारा सारे मैंने नोट कर दिया हूं। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास, वहां देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑपरेट होता है, ओके। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक बार थोड़ा सा हम लोग क्वाड्रेंट को समझते हैं। बेटा मैं एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं और यहीं पे साथ में साथ एक एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर रहा हूं, क्लियर, ठीक है बेटा। तो बेटा ये कितना होता है, 90 डिग्री होते हैं, सभी को पता होगा, और ये वाला 180 डिग्री होता है, और इसे बेटा हम लोग 270 डिग्री कहते हैं, और इसे 360 डिग्री कहते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर बेटा 90 माइनस, अगर बेटा मैं 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो क्या आ जाएगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑब्वियसली थीटा इज आवर एक्यूट एंगल, ठीक है। तो 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहां आ जाएगा वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह बेटा 90 में कुछ ऐड करेंगे, 90 में कुछ अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो वो कहां आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 प्लस थीटा ना सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उसी तरह बेटा 180 है, ये वाला बाउंड्री लाइन क्या है, 180, अगर 180 में माइनस कीजिएगा तो कहां आ जाएगा वो, फिर से बोलिंग साहब फिर से अपना सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन 180 है, 180 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो आपका कहां आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उसी तरह बेटा मैं बोलूं सर आप 180 में प्लस करोगे तो 180 में प्लस करोगे, यहां से लेके बेटा ये तो 180 था ही, इसे प्लस करेंगे ऑब्वियसली वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ओके। तो बेटा ये 270 है, फिर यहां बोलेंगे 270 माइनस करेंगे, 270 बेटा कुछ भी घटाइएगा तो क्या होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 बेटा कुछ प्लस कीजिएगा तो कहां आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ओके। इसी तरह बेटा 360 है, 360 माइनस कीजिएगा, 360 माइनस कीजिएगा तो बेटा कहां आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फिर से 360 प्लस जाइएगा तो वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 प्लस कीजिएगा तो बेटा वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो बेटा यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं है, लॉजिक से कि अगर ये वाला 90 डिग्री है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे
फॉर एग्जाम्पल बेटा 90 में 20 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 70 ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। और 90 में 20 ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा वो 110, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उसी तरह 180 से बेटा कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो सेकंड में आ जाएगा, और 180 में कुछ ऐड कर लेंगे तो वो थर्ड में आ जाएगा। 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो थर्ड में रहेगा। 270 में बेटा कुछ ऐड कर देंगे तो वो फोर्थ में आ जाएगा। उसी तरह 360 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, आपका फोर्थ में आ जाएगा। और बेटा यहाँ पे 360 में कुछ प्लस कर देंगे तो वो आपका फर्स्ट में चला जाएगा। तो ये बेटा आपका क्वाड्रेंट कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बेटा हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं और वहां पे देखते हैं कैसे ये एप्लीकेबल होता है। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके अबे जस्ट बेटा हमने देखा है क्वाड्रेंट वाले कंसेप्ट में 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, हालांकि इसे आप पहले देख चुके हो, ओके। नेक्स्ट वन इज कॉस 90 माइनस थीटा, नेक्स्ट वन इज टेन 90 माइनस थीटा, ओके कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, एंड लास्ट वन कॉसेक 90 माइनस थीटा। चलिए तो जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा उसे लगाते हैं। पहली बात बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, मतलब सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना, ए एस टी सी, तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, हमें सिंबल के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है बेटा, है ना, आपका सारा सारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखते 90 क्या है, हमारा वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस है, डेफिनेटली 90 क्या है आपका, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो क्या बताया गया है कि अगर आप वाई एक्सिस पे हैं तो आपका चेंज होगा, वाई एक्सिस पे तो बेटा क्या होगा, चेंज होगा, साइन कॉस बनेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किस में बदल रहा है, कॉस आपका साइन में बदल रहा है बेटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ओके। 10 90 माइनस थीटा, 10 बन रहा है कॉट, कॉट बन रहा है 10, तो 10 90 माइनस थीटा बेटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, 10 थीटा। उसी तरह बेटा सेक के पास गए तो सेक बन रहा है कॉसेक, कॉसेक बन रहा है सेक, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक थीटा, ओके। और बेटा कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्लियर। तो बहुत सिंपल है, जो फॉर्मूला आपने पहले निकाला था उसी को मैंने दोबारा निकाल के दिखाया कि आपके इस कंसेप्ट पे सारे के सारे क्वाड्रेंट में आपका कंप्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट आता जाएगा, ओके। चलिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने निकाल लिया, अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के मूव करते हैं, ओके बेटा। तो चलते हैं हम लोग अब सेकंड क्वाड्रेंट पे। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट कैसे आएगा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। तो बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या करना होगा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। पहले हम लोग 90 प्लस थीटा लिख चलते हैं, 90 प्लस थीटा में क्या हो रहा है, स्टार्ट करते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा, ओके। नेक्स्ट कॉट 90 प्लस थीटा, फिर आगे बेटा सेक 90 प्लस थीटा, नेक्स्ट वन विल बी कॉस सेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये सारे के सारे 90 में कुछ प्लस करेंगे तो कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम फिर से देखते हैं ए एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। एस फोर साइन, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट बेटा साइन पॉजिटिव होंगे, है ना, तो साइन बेटा कहाँ है, यहाँ पे बोलेंगे सर ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और फिर साइन का इनवर्स क्या होता है बेटा, कॉसेक, तो ये पॉजिटिव होंगे। हालांकि बेटा पॉजिटिव सिंबल नहीं दिखाते हैं, पर आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा क्या पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बेटा बाकी क्या होगा, मतलब बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो सिंबल के बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस ये देखना है कि पहला क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, चौथे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, उसका कंसेप्ट बेटा आपको लगाना है, ठीक है। तो बोलेंगे साइन 90 प्लस थीटा ना, अच्छा 90 कहां पे है, y एक्सिस, 90 कहां है, y एक्सिस, y एक्सिस में चेंज है नो चेंज, बोलेंगे यस सर चेंज होगा, y एक्सिस पे क्या होगा, चेंज होगा, साइन क्या बनेगा, cos बनेगा बेटा,
कॉस थीटा, कॉस क्या बनेगा साइन बनेगा, है ना, ये आप सीख चुके हो। ओके टेन क्या बनेगा कॉट बनेगा, कॉट क्या बनेगा टेन बनेगा, है ना, सेक क्या बनेगा कॉसेक बनेगा, ओके एंड कॉसेक विल बी चेंज इनटू सेक। क्लियर एवरीवन? तो बेटा इस तरह से आपका हुआ साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, मतलब पॉजिटिव कॉस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होंगे, कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएंगे माइनस टेन थीटा हो जाएंगे, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा। आप कुछ छोटा सा एग्जांपल भी लेके देख सकते हो, फॉर एग्जांपल बेटा मैं चला साइन 120 का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, इसे मैं बाद में क्लास में करवाऊंगा, मैं बस समझा रहा हूँ। ओके बेटा, और साइन 120 वैल्यू बेटा आपको याद तो नहीं करवाया हूँ, तो आप क्या लिख सकते हो साइन 120 को आराम से बेटा, साइन 120 को साइन 90 प्लस 30 कह सकते हो। ओके और यह मैंने सिखाया हूं साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, तो कॉस थीटा ना थीटा जो कौन है 30 डिग्री है 30, और साइन की बात करेंगे ए एस टी सी बोलिंग सर सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ध्यान रखिएगा किसमें बदला उसको हम लोग नहीं देखते हैं, हमें गिवन क्वांटिटी क्या उसको देखते हैं, तो साइन का घर है साइन पॉजिटिव है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट बेटा साइन पॉजिटिव होगा तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, और कॉस 30 का वैल्यू सबको याद करवाया बेटा क्या होता है रूट 3/2 होता है। ओके बोले सर एक और एग्जाम्पल लीजिए, मैं लेता हूँ 10 150, मैं लेता हूँ 10 150 की बात बेटा, 10 150 को बेटा मैं कह सकता हूँ 10 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके बेटा 90 वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बोलिंग सर वाई एक्सिस चेंज होगा, 10 किस में बदलेगा कॉट में बदलेगा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉट। ओके क्या हो जाएगा ये कॉट हो जाएगा बेटा, और यहाँ क्या लिख सकेंगे कॉट 60 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पे कौन है 60 है। ओके अब मैं देखूंगा हमारी गिवन क्वांटिटी क्या है 10 है बेटा, लाइक कहाँ कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट बेटा क्या 10 पॉजिटिव है, नो सर सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, मतलब साइन और कॉस्ट ही पॉजिटिव होंगे रेस्ट नेगेटिव होंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉट 60, 10 60 का इनवर्स 10 60 इज रूट 3, देयरफॉर कॉट 60 विल बी 1/√3। इस तरह से बेटा 10 150 वैल्यू क्या आ गया माइनस 1/√3 आ गया। तो अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बस मैं बेसिकली समझा रहा हूँ आपको, सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो उसका देखो यूटिलिटी कैसे है, कैसे हम उसे यूज कर रहे हैं। बाकी इस पर मैं बहुत क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आप एक कंसेप्ट में पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, बस आपको थोड़ा पैसेंस रख के बेटा देखना होगा, समझना हो लेक्चर को, उसके बाद तो बेटा आप मास्टर हो। ओके उसी तरह बेटा मैं बोलूंगा कि सर 1090 प्लस आपका सेकंड क्वाड्रेंट था, उसी तरह बेटा 180 माइनस भी तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, उसी तरह 180 माइनस भी तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा एक और कंसेप्ट सीखने जा रहा हूं 180 वाला, 180 माइनस ना। ओके स्टार्ट करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ओके अगेन कॉस 180 माइनस थीटा, नेक्स्ट टेन 180 माइनस थीटा, नेक्स्ट विल बी कॉट 180 माइनस थीटा, नेक्स्ट सेक 180 माइनस थीटा, एंड द लास्ट वन कॉसेक 180 माइनस थीटा, है ना। तो बोलेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बेटा कहां लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड बेटा किसका घर है बोलेंगे सर साइन का घर है, है ना, सेकंड किसका घर है साइन का घर है, तो ओनली साइन पॉजिटिव होगा, आई रिपीट ओनली साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव, तो रेस्ट क्या होंगे वही सर सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। ओके अब आते हैं 180 बेटा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, बोलेंगे सर 180 आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में चेंज या नो चेंज, तो बोलेंगे सर एक्स एक्सिस में नो चेंज है, आपको चेंज नहीं होगा, क्या चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन साइन ही रहेगा कॉस कॉस ही रहेगा, तो आप इसे आराम से बेटा साइन थीटा कह सकते हो, इसे कॉस थीटा, इसे टेन थीटा, इसे कॉट थीटा, इसे सेक थीटा, और इसे बेटा कॉसेक थीटा कह सकते हो, है ना। तो अब से बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, एंड कॉसेक 180 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो बेटा ये वाला बेटा क्लियर हो गया, इस पर बेटा क्वेश्चन होगा, मैं क्वेश्चन सारा का सारा डेफिनेटली करवाऊंगा। चलिए तो इसे रब करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके तो चलो बेटा हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे देखते हैं, तो फोर थर्ड क्वाड्रेंट
थर्ड क्वाड्रेंट। ओके बेटा, तो बोलेंगे थर्ड कैसे आएंगे, तो बोलेंगे 180 प्लस ना, 180 प्लस क्या होगा थर्ड होगा, उसी तरह बेटा 70 माइनस भी थर्ड होगा। तो पहले हम लोग 180 प्लस देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं साइन 180 प्लस थीटा। ओके नेक्स्ट वन कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है बेटा। फिर आगे टेन 180 प्लस थीटा, आगे कॉट 180 प्लस थीटा, नेक्स्ट वन विल बी सेक 180 प्लस थीटा, एंड द लास्ट वन कॉस सेक 180 प्लस थीटा। चलिए देखते हैं क्या आता है बेटा 180 प्लस ना 180 एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, बोलेंगे 180 एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में चेंज या नो चेंज, बोलेंगे सर एक्स एक्सिस में नो चेंज है, मतलब साइन साइन ही रहेगा कॉस कॉस ही रहेगा, है ना, सारे वैल्यू सेम के सेम रहने वाले बेटा। तो 180 प्लस तो आपका चेंज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात बेटा 180 प्लस थीटा ना, 180 प्लस थीटा ना, तो बेटा ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, टेन का घर है, टेन पॉजिटिव। ओके तो टेन पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा, टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, ओके रेस्ट नेगेटिव, तो बाकी के सारे सारे बेटे क्या होंगे नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? ओके तो हम लोग चलते हैं, बोलेंगे सर ये 180 प्लस है, एक्स एक्सिस में है तो चेंज नहीं होने जा रहा है, आपका साइन का साइन ही लिख दीजिए, ओके कॉस का कॉस, टेन का टेन, ओके एंड कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा, ठीक है। अभी जस्ट ने बताया 180 प्लस थीटा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट और 270 माइनस थीटा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट, तो चलिए 270 को हम लोग एक बार देखते हैं, तो बोलेंगे सर साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, देखते हैं क्या आएगा। फिर आगे कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, नेक्स्ट sec 270 माइनस थीटा, एंड द लास्ट वन बेटा cosec, cosec 270 माइनस थीटा। अब ओके बेटा, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा बेटा क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएंगे ना, थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, बोलेंगे 10 का घर है ना, ASTC थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, 10 का घर है, तो ओनली 10 एंड cot विल बी पॉजिटिव। ओके तो ओनली बेटा 10 एंड cot विल बी पॉजिटिव, तो बोलेंगे सर 10 को पॉजिटिव कर दीजिए, cot को पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सारे को नेगेटिव कर दीजिए। ओके क्लियर? अब मैं बोलता हूं क्या ना 270 ना बेटा ये x एक्सिस या y एक्सिस, तो आप बोलोगे सर 270 इज y एक्सिस। ओके y एक्सिस बेटा देखेंगे चेंज या नो चेंज, बोलेंगे सर y एक्सिस में चेंज हो रहा है, साइन बदलेगा cos में, cos बदलेगा साइन में, tan बदलेगा cot में, cot बदलेगा tan में, उसी तरह बेटा sec बदलेगा cosec में, cosec बदलेगा sec में, तो साइन 270 माइनस थीटा विल बी आवर cos थीटा। ओके cos 270 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा विल बी cot थीटा, cot 270 माइनस थीटा विल बी tan थीटा। ओके sec 270 माइनस थीटा विल बी cosec थीटा, ओके एंड cosec 270 माइनस थीटा विल बी sec थीटा। इस तरह से बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉसिबल केस, दैट इज 180 प्लस 270 माइनस, हमने देख लिया। चलिए इसे रब करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बेटा लास्ट क्वाड्रेंट पे हम लोग आ चुके हैं, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा कैसे आएगा, दैट इज 270 प्लस थीटा, है ना, 270 बेटा कुछ ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर 360 बेटा कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा 270 को लेके देखते हैं, दैट इज साइन 270 प्लस थीटा, ओके कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा, sec 270 प्लस थीटा, एंड द लास्ट वन cosec
270 plus थीटा। ठीक है बेटा, तो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया हूं, 270 की बात करता हूं। सबसे बेटा पहली बात, 270 प्लस थीटा कहां आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। तो ए एस टी सी लिखिएगा, ए एस टी सी सी फोर कॉस, तो सी फोर कॉस, तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस का घर है, मतलब कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। जहां जहां बेटा कॉस है वहां पॉजिटिव कर दीजिए, कॉस कॉस का इनवर्स सेक, तो बोलेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। ओके, रेस्ट विल बी नेगेटिव। चलिए तो नेगेटिव दे देते हैं। अब आगे बात करते बेटा, 270 y एक्सिस है या x एक्सिस है, अब बोलेंगे सर 270 हमारा क्या है, y एक्सिस है, और हमने जस्ट देखा है y एक्सिस पे क्या होता है, चेंज होता है, क्या चेंज होता है, साइन कॉस बनते हैं, कॉस साइन बनते हैं, टेन कॉट बनते हैं, कॉट टेन बनते हैं, sec cosec बनते हैं, cosec sec बनते हैं। तो यहां हम देखेंगे बेटा साइन क्या बनेगा बेटा, कॉस बनेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 270 क्या होगा, साइन हो जाएगा, टेन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा बेटा, sec 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, sec किस पे बदलते हैं, बोलेंगे cosec में बदलते हैं, cosec 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, है ना। कहां से चेंज हो रहा है बेटा, मैं यहां से चेंज कर रहा हूं, इस कंसेप्ट को लेके मैं चेंज कर रहा हूं, जो y एक्सिस पे चेंज होता है। अब बोलेंगे सर ये तो आपने 270 का देख लिया, पर 360 माइनस भी तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, डेफिनेटली चलिए हम उसे भी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ओके, तो 360 माइनस थीटा स्टार्ट करते हैं बेटा, साइन 360 माइनस थीटा, ओके, फिर से कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, एंड द लास्ट वन कॉसेक 360 माइनस थीटा। तो चलिए बेटा मैं देखता हूं क्या 360 एक्स एक्सिस है, y एक्सिस, बोलेंगे सर 360 इज x एक्सिस, तो x एक्सिस चेंज या नो चेंज, बोलेंगे सर नो चेंज, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रहेंगे, साइन साइन ही रहेगा, cos cos ही रहेगा, tan tan ही रहेगा। ठीक है, ओके, बोलेंगे सर 360 माइनस थीटा, आप किस क्वाड्रेंट में आ रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, cos का घर है, तो बेटा cos पॉजिटिव होगा, cos मतलब sec भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, बोलेंगे सर नेगेटिव होंगे, तो साइन 360 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा विल बी टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा विल बी सेक थीटा, एंड द लास्ट वन कॉसेक 360 माइनस थीटा विल बी कॉसेक थीटा। ओके, क्योंकि बेटा ये एक्स एक्सिस था तो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से बेटा हम लोग चारों के चारों क्वाड्रेंट पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे चेंज होते हैं, कैसे उसका सिंबल आता है प्लस या माइनस, हमने उसे देखा है। ओके, तो चलिए इसे नोट कीजिए, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, हालांकि आज का लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो गया है, पर कंसेप्ट बेटा क्लियर करना जरूरी था, मेरा तो मन बेटा क्वेश्चन करवाने का भी था, पर अभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, बहुत लंबा ड्यूरेशन का बेटा लेक्चर बन चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बेटा जरूर क्वेश्चन करेंगे, और वो लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितना थ्योरी बेटा आपने अभी पढ़ा है ना, वो सारा का सारा वहीं पर क्लियर होने वाला है। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, वहां आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जितने थ्योरी पार्ट आपने आज किया है उन सबको लेकर बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके बेटा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।